Hello everyone, welcome to my UPSC. जो UPHESC था पहले, अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो अध्यक्ष है उसके लिए तो इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट कर रखे हैं कि अध्यक्ष के लिए जो भी एलिजिबल होगा उसको बनाया जाएगा अध्यक्ष। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इसमें लगभग लगभग अब सभी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अब जो प्रमुख सचिव थे हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के, एमपी अग्रवाल, इनको इन्होंने एज ए एक्टिंग चेयरमैन बनाया है। कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष का भी इन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी है इनको। जब तक जो परमानेंट एज ए अध्यक्ष नहीं को अपॉइंट होता है, जब तक अध्यक्ष का जो चार्ज है वो उच्च शिक्षा के जो प्रमुख सचिव है उनके पास रहेगा। इन्होंने एक मीटिंग भी की है और उसमें जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको सबको कहा है कि जितनी भी भर्तियां लंबित है इन सभी भर्तियों को शुरू किया जाए। अब इसमें काफी चीजें हैं, एक तो देखिए कि जहां तक पॉसिबिलिटी है यही है कि इलेक्शन के बाद ही होगा एग्जाम, लेकिन अपॉइंटमेंट तो इनके जो जो पोस्ट थी वो सारे हो चुके हैं, इनका प्रोसेस भी ये फॉलो कर रहे हैं। अब जैसा इन्होंने कहा है कि भाई जो भी भर्तियां लंबित हैं उनकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए, तो प्रक्रिया तो क्या है, भर्तियों की प्रक्रिया में तो क्या रह गया, एग्जाम करवाना ही है, एडवर्टाइजमेंट निकला, ऑनलाइन फॉर्म जमा हो गए, उसके बाद में जो एग्जाम ही नहीं हुआ, बाकी तो सब प्रोसेस में है। और एक दूसरा पार्ट जो इसका और है वो कोर्ट से रिलेटेड है, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो ये दो इनको कोर्ट को भी डील करना है और इस एग्जाम को भी प्रोसेस में लाना है। अब कोर्ट का तो ठीक है, ये उसको देख लेंगे क्योंकि पुराने कुछ नियम्स का हवाला देके कोर्ट में हो जाएगा, या कोर्ट जो इनको आदेश देगा वो मानना पड़ेगा, या फिर उसके अगेंस्ट हायर कोर्ट में जाओ, तो ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो ये जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इसमें सचिव और जो एग्जामिनर एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उसका भी इन्होंने पत्र जारी कर दिया है, तो अभी इसका पत्र जारी हो गया है तो उसकी तैनाती के लिए इनको जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है, तो अभी कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके लिए इनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर इनके है कि ये इलेक्शन टाइम में या उससे पहले अगर कोई एग्जाम करवाने का इनका अगर ये डेडिकेटेड है उसको लेके कि हम करवाएंगे, तो उसके लिए भी इनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते, ये ठीक है, लेकिन ये तो पहले से ही जो वैकेंसी है वो है, तो इसके लिए वैकेंसी तो निकालने की जरूरत नहीं है। ये चाहे तो इसको इलेक्शन कमीशन से परमिशन के साथ एग्जाम भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपॉइंट करवा रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या सचिव है उनका नियुक्ति ले रहे हैं चुनाव आयोग की परमिशन के लिए, परमिशन से उनका अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप एग्जाम भी करवा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि ये इसमें किस लेवल तक कितना जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, या फिर ये एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होता है। बाकी अब इसमें चेयरमैन अपॉइंट हो गया है, इसको फॉलो कर रहे हैं, जो भी कोई अपडेट होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए, ये अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, बाकी तो जहां तक है लग रहा है कि ये जुलाई अगस्त के आसपास जाएगा, लेकिन पहले हो जाए तो भी हो सकता है कोई इलेक्शन पर्पज से पहले भी करवा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।